नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी मिश्रा है। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। ये मेरी मदर है, रागिनी मिश्रा। कल मैंने आप लोग को सूचित किया था कि मैं अपनी पीड़ा और अपने साथ हुई घटना को आप सबके साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए मैं आज फेसबुक के माध्यम से अपने साथ हुई घटना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको अपनी पीड़ा से रूबरू कराना चाहती हूँ। आज से 7 महीने पहले 14 सितंबर 2020 को मेरे साथ गैंग रेप हुआ था, जिसकी मैंने FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें दो अक्यूज थे, डॉक्टर अनिल द्विवेदी और डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी। श्याम प्रकाश द्विवेदी अपने आप को भाजयुमो काशी प्रांत के उपाध्यक्ष बताते थे और डॉक्टर अनिल द्विवेदी बेली हॉस्पिटल TV सेक्शन में डॉक्टर थे। जब मैंने FIR दर्ज करवाई तो उस दौरान मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि इनके फादर राम रक्षा द्विवेदी, श्याम प्रकाश द्विवेदी के फादर, जिला अध्यक्ष रहे हैं प्रयागराज के, जिसके कारण मुझ पर बहुत सारा दबाव आया कि मैं FIR ना दर्ज करवाऊँ। मेरे केस को किसी भी उस टाइम जब मैं FIR के लिए जाती थी तो मुझे कोविड पेंडेमिक का इशू का बहाना बता के मेरी FIR को टाला जाता था, जिसके बाद मैंने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात आप सबके सामने रखी, जिसके दौरान मुझे सपोर्ट मिला आप सबके साथ, तब मेरी FIR दर्ज हुई, जिसके तहत डॉक्टर अनिल द्विवेदी को FIR के जस्ट दूसरे दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन जो श्याम प्रकाश द्विवेदी थे, उनको अरेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, जिस दौरान उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे नवनियुक्त SSP के साथ फ़ोटो शेयर की, जिस पोस्ट के उससे हमें डराने की कोशिश की कि हम अपनी FIR ना दर्ज कराएं, हम अपनी FIR को वापस ले लें, हम अपना मुकदमा वापस ले लें। उसके बाद फिर जैसे ही FIR दर्ज हुई, उसके बाद हमारा 161 का बयान, मेडिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। जब मैं अपने मेडिकल प्रोसेस के लिए जाती या किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए जाती तो हमारे आगे पीछे ब्लैक टाटा सफारी 4777 नंबर की गाड़ी हमारे आगे पीछे हमेशा रहती, हमें फॉलो करती रहती, जिसके बाद दोनों आरोपी अरेस्ट हुए, जिसके बाद लगातार हमें थ्रेट्स मिलते रहते थे। ये मेरी FIR की कॉपी है, जिसमें दो अक्यूज्ड हैं, डॉक्टर अनिल द्विवेदी एंड डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी। जब हमें लगातार धमकियां मिलती रहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, अलग अलग माध्यमों से, लगातार मैंने एप्लीकेशंस दी कि मुझे और मेरे परिवार की जान को खतरा है। बीच में जब मेरा 161 का बयान हुआ, 164 का बयान हुआ, मेडिकल प्रोसेस हुआ, उस दौरान जब मैंने एप्लीकेशंस दी थी तो मुझे दो कांस्टेबल के द्वारा सिक्योरिटी मिली थी। जैसे ही मेरा 161 का बयान हो गया, उसके बाद से मेरी सिक्योरिटी हटा दी गई, क्योंकि हमें अंदेशा था कि हमारे साथ कोई ना कोई अनहोनी की जा सकती है या हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। हम लगातार एप्लीकेशंस देते आए। ये मेरी एप्लीकेशन 16-10 की है, ये मेरी एप्लीकेशन 14-10 की है, ये मेरी एप्लीकेशन 30-11 की है। लगातार मैंने एप्लीकेशंस दी कि हमारे परिवार को क्षति पहुँचाई जा सकती है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी मेरी बात को इग्नोर करते थे। सत्ता पक्ष का मामला था, इसलिए कोई हमारे मैटर को सीरियसली नहीं ले रहा था। जिस दौरान 24 नवंबर की रात को डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी ने जेल में ही रहते हुए एक माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ एक पोस्ट किया, ये है, जिसकी सूचना हमें इस पेपर के द्वारा मिली, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई।
उसमें ये कहा गया कि ये पोस्ट डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी के भाई ज्ञान प्रकाश द्विवेदी द्वारा किया गया। अगर ये पोस्ट उन्होंने ही किया था तो फिर ये पोस्ट डिलीट क्यों किया गया? इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, ना इसका सच कोई सामने आया है। ये इशू ऐसे ही दबा दिया गया। जिस दौरान ये दोनों आरोपी अपनी बेल के लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कचहरी में इन्होंने अप्लाई किया। जिस दौरान जब भी हम कभी हियरिंग पे जाते, मैं या मेरी मदर ही जाते थे, क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो घर पे रहते हैं। जब भी हम कभी जाते तो डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी के भाई जब ज्ञान आते थे तो बार बार हमें फ़ोन पे अपने कान पे फ़ोन लगा के हमें बार बार फेस करके इनडायरेक्ट रूप से हमें धमकाया करते थे कि ये हमें बर्बाद करवा देंगे, हमें जान से मरवा देंगे, पूरे परिवार को ख़त्म करवा देंगे। बार बार हमें लगातार समझौते का प्रेशर इन्होंने बनाया, हम पे दबाव बनाया अलग अलग माध्यमों से, जिसके लिए हम लगातार एप्लीकेशंस भी देते आए कि हमें कुछ भी करवाया जा सकता है, हम पे दबाव आ रहा है, हम पे प्रेशर आ रहा है, हमारी हेल्प करिए। लेकिन किसी भी उच्च अधिकारी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को हमेशा इग्नोर किया, जिसके लिए मैंने लगातार सारे अधिकारियों को सूचित भी किया। मैं लगातार एप्लीकेशंस देती आई, जाके मिला भी, जाके हम हर ऑफिसर से मिलते भी थे, आईजी साहब से भी मिले, आईजी, एसएसपी, कर्नलगंज, कहाँ कहाँ हमने विजिट नहीं किया, हर जगह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, लगातार एप्लीकेशंस देने के बाद भी। उस दौरान मेरा भाई रितेश मिश्रा प्रयागराज में ही उपस्थित थे, उसके भी आगे जब पीछे भी लोग लगे रहते थे। जब भी वो कभी बाहर आते जाते थे या वापस घर आते थे तो हमें बताते थे कि मेरे आगे पीछे जैसे कोई अनजाने चेहरे मुझे फॉलो करते हैं, मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। जिसके बाद रिसेंटली ही कुछ महीने पहले मेरे ही किसी अन्य परिचित के माध्यम से डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी के भाई ज्ञान प्रकाश द्विवेदी उनके पास गए। मेरे भाई की उन्होंने फोटो दिखाई उनको और उनसे पूछा कि यही रितेश मिश्रा है ना, पुणे में रहता है, पढ़ाई करता है, सोशल मीडिया से उसकी फोटो, उसकी सारी जानकारियां कलेक्ट की। जिस दौरान भी मैंने, जब ये मुझे ये बात पता चली, तो मैंने 24/1 को भी एप्लीकेशन दी थी कि हमें को कुछ हो सकता है, हमें कुछ हो सकता है, मेरे ब्रदर को कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, शायद जितना हमें हमारे बारे में नहीं पता था, हमारे आसपास रहने वाले लोगों से जुड़ के उन सारे लोगों को सारी बातें पता थी। जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना अभी तक कोई सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हुई है। हमने सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हमने सारी चीज़ें, हर जगह हम बिना सिक्योरिटी के गए। कोई भी व्यक्ति जब जेल में रह के अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता है अधिकारियों के सहयोग से, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, जिसका सच अभी तक सामने नहीं आया, तो वो इंसान कुछ भी करवा सकता है और करवा दिया। और जिसके बाद पुणे महाराष्ट्र में सिंघड़ पुलिस थाने के नरे पुलिस चौकी के अंतर्गत मेरे ब्रदर का एक्सीडेंटल डेथ दिखाते हुए डंफर ने उसको टक्कर मारी, कुचल के उसका मर्डर करवा दिया। हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे FIR भी दर्ज हो गया, वहाँ का सारा प्रोसेस हो गया। मेरे इकलौते भाई रितेश मिश्रा, उम्र 22 साल, उसका मर्डर करवा दिया गया 18 फरवरी 2021 को। ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। जिसके बाद जब मुझे ऐसी सूचना मिली, हम वहाँ पे पहुँचे, हमने उसका फ्यूनरल क्रेमेशन किया। जिसके बाद जब हम उस पुलिस चौकी पे पहुँचे, हमने सारी चीज़ों को देखा, हम स्पॉट पे गए। ऐसा नहीं लग रहा था मेरे बच्चे को कि एक्सीडेंट है, मतलब वहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने यही बताया कि पहले
ट्रक ने टक्कर मारी, फिर कुचल उसे कुचल दिया गया और उसको इस तरह से कुचला गया कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई। ऑन द स्पॉट मेरा ब्रदर बच्चा की एक शब्द कुछ बोल नहीं पाया, जिसके बाद मैंने सिंघड़ पुलिस स्टेशन पे मैंने एप्लीकेशन दिया। अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई सुनवाई है, हमेशा हमारी बात को इग्नोर किया गया, बस प्लीज ये कहते हुए कि सत्ता पक्ष का मामला है। इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रयागराज में इतना ज़्यादा है कि हमारी एक एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। मैंने अपने इकलौते भाई को खोया है और अब मुझे ऐसा अंदेशा है कि जैसे मेरे भाई का मर्डर करवा दिया गया, इसी तरह हमारे घर में बचे तीन लोग, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माता जी को भी मरवा दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं।